चलो फिर वीपीएन का प्रैक्टिकल कर लो, आईपी सेक का, ठीक है। देखो लैंड टू लैंड तो हो गया था, ठीक है, नहीं हुआ था ना आईपी सेक वाला। हाँ जीआरई हो गया है आपका, राइट। तो आईपी सेक रह रहा है फिलहाल, आईपी सेक कर लेते हैं, फिर जीआरई ओवर आईपी सेक कर लेंगे। ओके, ये जो आपका आईपी सेक है ना, वो करेंगे आज। ओके, तो देखो अपन ने 3 राउटर ले रखे हैं, बीच वाला आईएसपी। लास्ट क्लास में अपने ने जीआरई किया था, जिसमें सेम इसी तरीके का लिया था अपन ने। तो R3 पे 2 लूप पैक अपन कॉन्फ़िगर करेंगे, 10.3.3.3/24 का, और 1 लूप बैक 1 172.16.3.3/24। उसके साथ F0Y0 पे 1.30 का नेटवर्क असाइन करेंगे। उसके बाद ISP के F0Y0 पे 1.30 का नेटवर्क असाइन करेंगे, और ISP के F1Y0 पोर्ट पर 1.40.0 का नेटवर्क असाइन करेंगे। F1Y0 पे 40 का, और नीचे 2 लूप बैक हैं जो R4 पे कन्फिगर होंगे, 10.4.4.4 and 170.16.4.4, ठीक है। चलो फिर कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। पहले R3 को कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, इंटरफेस F0Y0 आईपी एड्रेस 192.1.30.3 255 255 255.0, नो शट डाउन, एग्जिट। उसके बाद लूप बैक कन्फिगर करना है, इंटरफेस लूप बैक 0, आईपी एड्रेस दे दो 10.3.3, और सबनेट मास्क दे देते हैं इसका, एंड एग्जिट, सॉरी एग्जिट, इंटरफेस लूप बैक 1, आईपी एड्रेस 172.16.3.3, सबनेट मास्क दे दो उसका, एंड एग्जिट। डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। F0Y0 पे हमने 30 का नेटवर्क डाल दिया, ठीक है, और 1 लूप बैक 10.3.3 का कर दिया, और 1 लूप बैक 1 172.16.3.3, ठीक है। फटाफट R4 पर चलते हैं, कॉन्फिग इंटरफेस F1Y0, राइट, ये पोर्ट है R4 का F1Y0, इस पर कॉन्फ़िगर करेंगे। आईपी एड्रेस 192.16, सॉरी 1.40.4 255 255 255.0, नो शट डाउन, एग्जिट। अब लुक बैक कर लेते हैं फटाफट से, आईपी एड्रेस 10.4.4.4, सबनेट मास्क दे देते हैं, एग्जिट, इंटरफेस लूप बैक 1, आईपी एड्रेस 172.16.4.4, सबनेट मास्क दे दो, एग्जिट। डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। तो F1Y0 पे अपन ने 40.4 असाइन कर दिया, राइट, 1 लूप बैक 0 लूप बैक 1, ठीक है। उसके बाद आईएसपी को कॉन्फ़िगर कर लो, कॉन्फ़िग इंटरफेस F0Y0, आईपी एड्रेस 192.1.30.10, नो एसएच, एग्जिट, इंटरफेस F1Y0, आईपी एड्रेस 192.1.40.10, सबमिट मास्क दे देते हैं, मैसेज एग्जिट। डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, और पिंग कराकर देख लो कनेक्टिविटी है कि नहीं।
तो 192.1.30.3 पिंग कर लो, ठीक है, पिंग हो रहा है। नीचे वाल नीचे की तरफ भी पिंग करके चेक कर लो, 192.1.40.4, सॉरी कोई दिक्कत नहीं है। कनेक्टिविटी चेक कर लो क्योंकि आगे फिर प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, पिंग हो रहा है। अब क्या काम करना है आपको, सेकंड थिंग, आपने एक डिफॉल्ट राउट चलाना है आईएसपी की तरफ, यानी कि R3 पर जो ये वाला पोर्ट है, आपको यहां से एक डिफॉल्ट राउट चलाना है आईएसपी के लिए। ऐसे ही R4 से आपको आईएसपी की तरफ चलाना है डिफॉल्ट राउट, चला ले आईपी राउट 0.0.0.0.0.0.192.1.30.10, ठीक है। सेम चीज R4 पर जाते हैं, आईपी राउट 0.0.0.0.0.0.192.1.40.10, सिंपल, ओके। चलो अब आईपी सेक को कॉन्फ़िगर करते हैं। तो पहला हमें फेज वन कॉन्फ़िगर करना है आइजैक एम, राइट। तो क्रिप्टो आइजैक एम पॉलिसी, आप पॉलिसी को कोई सा भी नंबर दे सकते हो, लाइक मैं 10 दे रहा हूं, ठीक है, हिट एंटर। उसके बाद हमें ऑथेंटिकेशन देनी है, ऑथेंटिकेशन हम प्री शेयर करेंगे। उसके बाद हमें इंक्रिप्शन करनी है, इंक्रिप्शन और 3 डैश कर लेते हैं। उसके बाद हैश MD5, लास्ट हमें ग्रुप के अंदर डालना है ग्रुप 2। उसके बाद हमें एक टनल बनानी, मतलब एक रास्ता तो देना है ना कि भाई उस नेटवर्क पे जाना है, तो उसके लिए एक पासवर्ड की होनी चाहिए। तो लाइक दे देते हैं क्रिप्टो आइजैक एम की सिस्को 1 2 3। सेम की आपको असाइन करनी है दूसरी तरफ भी, R4 पर भी। अगर की में थोड़ा सा भी डिफरेंस होगा तो फिर ये कनेक्टिविटी नहीं होगी। तो मेक श्योर करो कि की को एक ही रखना, ओके। एड्रेस डालते हैं अपन यहां पे, तो हमारा जो एड्रेस है हम जहां से करना चाह रहे हैं वो है 40.4, ओके। तो क्रिप्टो आइजैक एम की सिस्को 1 2 3 एड्रेस 192.1.40.4। तो आपकी ये हो गई फेज वन क्लियर। अब फेज टू डेटा के लिए क्रिप्टो आईपी सेक ट्रांसफॉर्म फॉर्म सेट, राइट। इसका कुछ भी नेम दे सकते हो आप, ABC मैं रख रहा हूं, ESP-3- सॉरी ऐप दबा दो अगर आपको मालूम है तो। उसके बाद ESP SHA-HPAC, हिट एंटर एंड एग्जिट। तो देखो आपका फेज वन हो गया, ठीक है। क्रिप्टो आइजैक एम पॉलिसी 10, पहले पॉलिसी बनाई, उसके अंदर ऑथेंटिकेशन इंक्रिप्शन हैश और फिर आपने ग्रुप दे दिया, उसके बाद आपने एक की दे दी, राइट। ये फेज वन की कमांड्स है। उसके बाद आपने एक फेज टू बनाया, क्रिप्टो IPsec ट्रांसफॉर्म सेट ABC, आपने उसको डैश बता दिया एंड SHA-HMAC इंक्रिप्शन किस में कर। उसके बाद आपने अब ACL डिफाइन करनी है कि जो आपने नेटवर्क उसके अंदर ले जानी है, उस नेटवर्क को अलाउ करना है, यानी कि परमिट करना है। देखो हाँ, जो आपका इंटरेस्टिंग ट्रैफिक है आप उसको कैसे अलाउ करोगे विद द हेल्प ऑफ ACL,
ओके करते हैं एक्सेस लिस्ट 101 परमिट आईपी। देखो पहली आईपी कौन सी है, 3.3.0, इसका वाइल्ड क्राफ्ट मार्क्स दे दो। उसके बाद इसे किससे करना है कम्युनिकेट, 10.4.4.0 से करना है, 255 हिट एंटर। सेम, अब क्या करना है, 10 को इसे 10.3.3 को 172 से भी करना है, तो 172.16.4.0। क्लियर है ना, बस उसी तरीके से इसका दूसरा लूपबैक कौन सा है, 16.3.0, इसका भी दे दो आप। इसको किससे कम्युनिकेट कराना है आपको, 10 से कराना है ना पहले, उसके बाद सेम इसी को 172 से भी कर दो। यही है ना भाई, क्लियर हो रहा है कि नहीं। अरे ये वाला जो नेटवर्क है 10.3.3, ये किससे कम्युनिकेट करना चाहिए, इन दोनों से कम्युनिकेट करना चाहिए ना। तो हमने दोनों में परमिट करा दिया इस नेटवर्क को, सिंपल। और ये वाला नेटवर्क भी इन दोनों से कम्युनिकेट करना चाहिए, तो हमने इन दोनों से भी परमिट करा दिया इस नेटवर्क को। देखो 10 को पहले कराया किससे, 10.4 से, उसके बाद 10.3 को फिर से कराया अपन ने किससे, 172 से। उसी तरीके से दूसरे वाले नेटवर्क को भी हमने करा दिया, ठीक है, पहले करा दिया 10.4 से और उसके बाद 172 वाले से, सिंपल। तो 3 स्टेप अपने कंप्लीट हो गए। अब करना है अपने को लिंक, ठीक है, तो उसके लिए करते हैं क्रिप्टो मैप, कुछ भी नाम रख लो इसका, सी मैप मैं रख रहा हूँ। 1 IPsec, सॉरी IPsec IsaacM, ओके। तो हमें इसके अंदर अपनी ACL को परमिट कराना है, 101, सिंपल। ACL को परमिट कराया, उसके बाद हमें सेट पियर जो हमारा जिससे हम कर रहे हैं, तो 191.40.4 सेम सेम यही डालना है आपने, ओके एंटर। एंड लास्ट थिंग, आपको फेस सेकंड भी इसमें अटैच करना है, ट्रांसफॉर्म सेट ABC, हिट एंटर एग्जिट। फोर्थ स्टेप आपका कंप्लीट हो गया। एंड लास्ट इंटरफेस F0Y0, इसके अंदर आप उसे अप्लाई कर देंगे, क्रिप्टो मैप जो आपने बनाया, सी मैप बनाया ना, सी मैप ईमेल है, हाँ एग्जैक्ट। तो देखो उसने दे दिया मैसेज आपको, क्रिप्टो आइज़ाकैम ऑन, ओके। फटाफट से R4 पर चलते हैं, यहां भी कॉन्फ़िगरेशन को डन करते हैं। तो क्रिप्टो आइज़ाकैम पॉलिसी 10, ऑथेंटिकेशन दे देते हैं फटाफट से, ऑथेंटिकेशन ऑथेंटिकेशन वो प्री शेयर, उसके बाद हमने इनक्रिप्शन करना है, इनक्रिप्शन इनक्रिप्शन 3 डैश, उसके बाद हैश MD5। आपने ग्रुप वहां पे कौन सा साइन किया था, 2। उसके बाद अपन को की बनानी है, तो क्रिप्टो आइज़ाकैम की, सेम की देनी है आपको, सिस्को 1 2 3,
एड्रेस 192.130.3, ठीक है। अरे यही है ना, सेम की देना बहुत जरूरी है, ठीक है। फिर सेकंड कंफिगर करते हैं, क्रिप्टो IPsec ट्रांसफॉर्म सेट, नाम दे दो इसको ABC, उसका ESP-3-, और ESP-SHA-H, ठीक है। एग्जिट करते हैं, दो स्टेप कंप्लीट, और फिर एक्सेस लिस्ट बना लेते हैं। एक्सेस लिस्ट 101 परमिट IP 10.4.4.0 को हमने कराना है, 255 ठीक है। इसी सेम नेटवर्क को हमें 172.16.3.0 से भी कराना है, ठीक है। 3.0 ऊपर देखो, 3.0, ठीक है। उसके बाद 172 वाले को भी हमें पिंग कराना है, 4.0। किससे कराना है पहले? 10.3.3.0, उसका 172.16.4.0, ठीक है भाई। नहीं, 3 से कराना है ना, ठीक है। थर्ड स्टेप भी कंप्लीट हो गया, फोर्थ स्टेप करते हैं फटाफट से। क्रिप्टो मैप सी मैप 1 IPsec आई जगह मैच एड्रेस 101। उसके बाद अपन को क्या करना है, सेट पियर 192.130.3। उसके बाद हमें ट्रांसफॉर्म सेट भी करानी है, सेट ट्रांसफॉर्म सेट ABC, हिट एंटर। उसके बाद क्रिप्टो, इसमें भी कंप्लीट हो गया। इंटरफेस F1/0, लास्ट हमें आउटगोइंग इंटरफेस के अंदर अप्लाई करना है, तो क्रिप्टो मैप सी। तो इसमें भी आई सा कैंप ऑन हो गई है आपकी, ठीक है। तो शो कमांड चलाते हैं पहले, शो क्रिप्टो एज अगेन। शो क्रिप्टो एज अगेन ऐसे, सिक्योरिटी एसोसिएशन फुल फॉर्म। तो अभी तक कुछ नहीं बना है, एंड सेकंड शो क्रिप्टो IPsec। तो ये देखो, F0/0 सी मैप और 30.3 हमारा पीयर एड्रेस है, ठीक है। तो अभी तक कुछ जाया नहीं है, तो 00 पैकेट शो कर रहा है। देखो UDP 500 से हो रहा है, पोर्ट नंबर 500। तो अभी तक हुआ नहीं है, ठीक है। तो अभी हम ट्रैफिक भेजेंगे, लाइक यहाँ से भेजना शुरू करते हैं। पहले यहाँ भी एक कमांड डाल लो, शो क्रिप्टो आइज अगेन ऐसे, कुछ है नहीं। IPsec 0 पैकेट है अभी,
पिंग करके देखते हैं, पिंग 10.3.3, सॉरी 3.3। कुछ मिसिंग है क्या? One dot 30.3। तो टनल तो अपनी पिंग हो रही है, 30.3 पिंग हो रहा है, ठीक है, इधर से 30.3 पिंग हो रहा है। लाइक चेकआउट करते हैं केबल एज अ कैम फ्री है। अरे नहीं, वो ऐसे नहीं होता, ऐसे होता है देखो, पिंग करना है ना आपको, सिंपल पिंग कर लो 10.4.4.4 और यहाँ सोर्स लगा के करना है, ठीक है, सोर्स आपका 10.3.3.3, हिट एंटर कर लो, देखो अब हो रहा है पिंग। ऐसे दूसरे नेटवर्क को भी करके देख सकते हो आप, पिंग 172.16.4.4, सोर्स लगा लो आप 172.16.3.3, वो पिंग हो रहा है, ठीक है ना। अब आप चेक कर सकते हो यहाँ पे कि शो क्रिप्टो आइज़क एम ऐसे, तो देखो बन गया ना कनेक्शन, आपका डेस्टिनेशन क्या है, आपका सोर्स क्या है, राइट। उसके बाद शो क्रिप्टो आईपीसेक ऐसे, ठीक है, ये आपको पैकेट बता देगा, नौ नौ पैकेट इनक्रिप्ट हुए हैं, डिक्रिप्ट हुए हैं, लाइक, ठीक है। तो जीआरई हो गया आपका, आईपीसेक हो गया, अब आपका जीआरई ओवर आईपीसेक होगा अगली क्लास में, ठीक है। देखो वॉइस वाला वो मैं करा दूंगा, डायल पियर जो रह रहा है आपका वो मैं डन करा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हाँ ये आपके पास दो चार देखो, पहला फेज जो था वो आपका असाइन किया था, आपने की बनवाई थी, ठीक है, जो आइज़क एम पे, और सेकंड वाला जो है वो आपका आईपीसेक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सोर्स से पिंग करना, ठीक है, क्योंकि एक्सेस लिस्ट में आपने बताया है ना, उसको डिफाइन किया है इंटरेस्टिंग ट्रैफिक में, आपने अलाउ वो परमिट कराया है ना सोर्स बता के, तो आपको पिंग उसी की तरीके से कर, आप अगर पिंग 10.3.3.3 करेंगे सिंपल तो पिंग नहीं होगा, ठीक है, तो आपको सोर्स लगाना पड़ेगा, ओके। चलो फिर, है ना, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में आपको, ओके बाय।